सपने में दिखता था भूत, जब सीसीटीवी कैमरा लगाया तो सामने आई ये सच्चाई। यॉर्क में एक ऐसा मामला आया है जो सोशल साइट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल एडम एलिस नामक एक शख्स के सपनों में कई दिनों से मरा हुआ बच्चा आ रहा था जो उन्हें मारने की कोशिश करता था। एक दिन जब उन्होंने अपने घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाया तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। ये है पूरा मामला। एडम ने ट्विटर पर कई पोस्ट करके अपनी आपबीती लोगों को बताई है। उन्होंने बताया कि जब वो 3 हफ्ते के लिए जापान जाने वाले थे तब अपनी बिल्लियों पर नजर रखने के लिए घर में पेट मॉनिटरिंग कैमरा लगाया था। इस कैमरे के द्वारा घर से दूर होने पर पेट्स पर नजर रखी जा सकती है। ये वाईफाई से जुड़ा होता है और 24 घंटे काम करता है। ये कैमरा घर में होने वाली आवाजों और गतिविधियों की जानकारी एक ऐप के द्वारा मोबाइल पर पहुंचा देता है। एक रात जब वो घर से बाहर गए तो कैमरे को टेस्ट करने का सोचा। शाम को बिल्लियों की आम आवाजों के अलर्ट आते रहे। इसके बाद रात 11 बजे अलर्ट आया कि घर में कुछ हलचल हुई है, लेकिन एक दो बार वीडियो चेक करने पर उसमें कोई खास हलचल नहीं उन्हें नहीं दिखी। जब तीसरी बार उन्होंने वीडियो चेक किया तो उन्हें कुर्सी हिलती हुई दिखाई दी। कुर्सी पर उन्हें एक बच्चे की परछाई भी नजर आई। पहले उन्हें लगा कि कहीं हवा की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन उन्हें याद आया कि उन्होंने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां तो बंद रखी थीं। दरअसल यही सब चीजें एडम ने पहले सपने में भी देखी थीं। पहले तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि मामला क्या था, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो उसी बच्चे का भूत था।